खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात आजम खान की, जो अपने बयानों की वजह से हमेशा चर्चा में रहते हैं, या ये कह सकते हैं कि विवादित बयानों की वजह से वो चर्चा में रहते हैं। जयाप्रदा को लेकर अमर्यादित टिप्पणी के अलावा आजम खान का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अधिकारियों से मायावती के जूते साफ करवाने की धमकी तक दे रहे हैं। अधिकारियों को धमकाने में यह पता नहीं चला कि आजम मायावती की तारीफ कर रहे हैं या तंज कर रहे हैं। ये कलेक्टर पलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। और देखें कई मायावती जी के फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल के जूते साफ कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं से है गठबंधन, हाँ उनसे उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इंशाल्लाह ने चाहा। अधिकारियों से जूते साफ करवाने की धमकी देते आजम खान का ये वीडियो वायरल हो रहा है। तनखैयों से नहीं डरते हैं। और देखें कई मायावती जी के फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल के। वायरल वीडियो में आजम खान अपने समर्थकों के बीच कह रहे हैं कि मायावती से गठबंधन है, जिनकी जूतियां डीएम साफ करते थे। और देखें कई मायावती जी के फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल के जूते साफ कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं से है गठबंधन, हाँ उनसे उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इंशाल्लाह ने चाहा। विवादित बयान को लेकर आजम खान एक बार फिर सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर आ गए। पवार दिलीप चौधरी ने लिखा, आजम खान की नजरों में क्या इज्जत है, सुनिए इस वीडियो से। अरुण कुमार सिंह ने लिखा, आईएएस जैसी सिविल सेवा के लिए ये सम्मान है आजम खान के मन में। धर्मवीर प्रताप सिंह ने आईएएस एसोसिएशन पर तंज करते हुए लिखा, आपका जमीर केवल अपनी बिरादरी वालों के कुकर्मों की लीपापोती करने के लिए जागता है क्या? अरुणाचल प्रकरण में तो चिट्ठी चिट्ठी खेल रहे थे, और यहाँ आजम खान जूते साफ करवाने को बोल रहे हैं तो किसी नौकरशाह को बुरा नहीं लग रहा है। और देखें कई मायावती जी के फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल के जूते साफ कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं से है गठबंधन। आजम खान मायावती की तारीफ कर रहे हैं या फिर मायावती पर तंज कस रहे हैं, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। वैसे जिस घटना का जिक्र करके वो मायावती को महान बताना चाह रहे हैं, वो साल 2011 की है। मायावती हेलीकॉप्टर से उतरती है, वहाँ मौजूद अधिकारियों में से एक अधिकारी पद्म सिंह अपना रुमाल निकालकर मायावती की जूतियाँ साफ करने लगते हैं। पद्म सिंह ने मायावती की जूती डर से साफ की थी या फिर अपने पन का फर्ज, बेहतर उन्हीं को पता होगा। लेकिन आजम खान ये बता गए कि मायावती की डर से अफसर भी जूती साफ करते थे और आगे भी करवाएंगे। अधिकारी से जूतियां साफ करवाने की इस घटना को लेकर काफी विवाद भी होता रहा है। ये कलेक्टर पलेक्टर से मत डरियो। आजम खान के वायरल बयान के बाद एक बार फिर जूतों की चर्चा जोर पकड़ने लगी। आजम खान के बयान के अलावा सोशल मीडिया पर मायावती से जुड़ा एक और सनसनीखेज दावा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर दावा है कि मायावती के साथ मंच साझा करने के लिए आरएलडी प्रमुख अजीत सिंह को मंच पर जूते उतारने पड़े। ट्विटर पर चौकीदार राम ने लिखा, जूता अजीत सिंह का उतरवाया है, इज्जत पूरे जाट समुदाय की उतर गई। सिद्धार्थ त्यागी ने लिखा, मायावती जो अपने गठबंधन साथी अजीत सिंह से जूते उतरवाकर मंच पर बैठने के लिए कहती हैं, तो उनका समाजवाद का चोला पहने अखिलेश यादव और प्रदेश की जनता के साथ कैसा व्यवहार होगा। जानकारी के मुताबिक 7 अप्रैल को सहारनपुर के देवबंद में महागठबंधन की रैली थी, जिसमें आरएलडी प्रमुख अजीत सिंह जब मंच पर जा रहे थे, तब बीएसपी के एक नेता ने उन्हें जूते उतारकर मंच पर जाने के लिए कहा। वैसे मायावती के लिए इस जूते उतरवाने की पुष्टि हम साफ तौर पर नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर है कि इस चुनाव में मायावती की जूती चर्चा में आ गई है।